दोस्तों जब कोई स्टूडेंट टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का कोर्स कंप्लीट करने के बाद में किसी कंपनी में अकाउंटेंट पोस्ट की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे जैसी बात है उसका इंटरव्यू भी होगा, और जो इंटरव्यू लेने वाला है वो उससे कुछ टेली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, कुछ अकाउंटिंग से रिलेटेड, कुछ टैक्सेशन से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन भी पूछेगा। तो सबसे पहला अगर जो क्वेश्चन अगर अपने बात करते हैं वो टेली सॉफ्टवेयर से अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो वो एक ही क्वेश्चन पूछेगा, आपने टेली सॉफ्टवेयर को सीखे लेकिन टेली सॉफ्टवेयर के अंदर आपने क्या क्या सीखे। तो स्टूडेंट का जवाब यही रहेगा, सर मैं टेली सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ, टेली सॉफ्टवेयर में मैं लेजर क्रिएट कर लेता हूँ, स्टॉक आइटम बना लेता हूँ, यहाँ तक मैं टेली सॉफ्टवेयर में सारी वाउचर की एंट्री भी कर लेता हूँ, टेली सॉफ्टवेयर के जितने फीचर्स है, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है, उन सब के बारे में मेरे को नॉलेज है। तो अब जैसी बात है भी अगर कोई स्टूडेंट टेली सॉफ्टवेयर उसने सीखा है किसी इंस्टीट्यूट से, अगर उसने 2-3 महीने टाइम लगाया है तो ये सारी बेसिक बातें तो उसने सीखी होगी। लेकिन अब इंटरव्यू लेने वाला अब ये बात भी आपसे पूछेगा, आपने टेली सॉफ्टवेयर को सीख तो लिया लेकिन आपने उसको एज ए टेक्निकल रूप में कितना सीखा है। टेक्निकल मतलब जितनी बेसिक बातें जो बिजनेस की हमारी, जब रियल बिजनेस की जब अकाउंटिंग करते हैं तो वहां पर जो यूज होने वाली जो छोटी छोटी बेसिक बातें हैं उनका नॉलेज आपको कितना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उसी छोटे छोटे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक टेली ऑपरेटर हो, आपने टेली सॉफ्टवेयर का कोर्स कंप्लीट कर लिया है या आप टेली सॉफ्टवेयर को अभी आप सीख रहे हो, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम टेली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और कुछ बेसिक जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन हमने तैयार किए, और आज के इस वीडियो के अंदर इन क्वेश्चन के साथ साथ हम आप लोगों के इनके आंसर भी बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना क्योंकि आज का ये जो वीडियो है ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर हम बिल्कुल हम बेसिक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। और वीडियो को पूरा देखने के बाद आप हमें कमेंट करके जरूर बताना भी जितने क्वेश्चन हमने आपसे पूछे हैं इनका नॉलेज आपने टेली सॉफ्टवेयर को सीखते सीखते हुए कितने परसेंट है जो इसका नॉलेज आपने इंक्रीज किया था, तो ये आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर आज की इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लिया तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आज की इस वीडियो से आप सीख के बहुत कुछ जाने वाले हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्मार्ट कंप्यूटर सेंटर रायसनगर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर प्रेस कर लेना क्योंकि आने वाली हर नई हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक अपडेट रहे। और आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने टेली सीखने वाले स्टूडेंट के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ उनको शेयर भी जरूर कर देना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं भी आज का ये जो हमारा वीडियो है ये हमारा फ्रेशर अकाउंटेंट का जो इंटरव्यू 2024 के अंदर किस प्रकार से होगा, क्या क्या बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए इंटरव्यू मतलब कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले, ठीक है ना। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा भी मान लीजिए आप टेली सॉफ्टवेयर आपने कंप्लीट कर लिया लेकिन अब मान लीजिए जो इंटरव्यू लेने वाला है बंदा है वो आपसे अगर ये बेसिक क्वेश्चन ये पूछता है भी जब आप टेली सॉफ्टवेयर के अंदर कोई लेजर बना रहे हो, मान लीजिए कोई आपका सप्लायर है सैंडरी क्रेडिटर का आप लेजर बना रहे हो, सैंडरी डेप्टर का आप लेजर बना रहे हो, स्टॉक आइटम का आप कोई क्रिएट कर रहे हो, कोई ग्रुप क्रिएट कर रहे हो, कोई यूनिट क्रिएट कर रहे हो, तो अब इन सब को क्रिएट करने के साथ साथ आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन उनके अंदर देनी होती है, तो अब आपका जवाब क्या रहेगा। यानी कि मान लीजिए आपने कोई भी एक लेजर बनाया ABC का, ठीक है, और मान लीजिए आपने इनसे गुड्स परचेज किए, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो लेजर बना रहे हो उसका ग्रुप क्या रहेगा, ठीक है। दूसरा ग्रुप आपने सही सिलेक्ट कर दिया तो इसके ग्रुप के अलावा और कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको टेली सॉफ्टवेयर को बतानी पड़ेगी। तो अगर आपके पास कितना जवाब सही है तो हम इस वीडियो के अंदर आपको आंसर भी बता देते हैं, और डेफिनेटली आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताना कि इन सब बातों का नॉलेज आपको टेली सॉफ्टवेयर सीखते वक्त या इंस्टीट्यूट वालों ने आपको कितना दिया था। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं लेजर बनाने की। अब लेजर कहाँ से बनते हैं हमारे, जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे टेली सॉफ्टवेयर की हमारा गेटवे टेली का होम पेज आ गया, टेली सॉफ्टवेयर का क्रिएट पर अपने चलते हैं, लेजर पे चलते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई भी एक लेजर कर, ठीक है, अब मान लीजिए ये मेरा सप्लायर है तो अब सप्लायर का ग्रुप हम डालते हैं सैंडरी क्रेडिटर में। अगर आपको नहीं पता तो ये बात भी आप अच्छी तरीके से सीख लो, जिस पार्टी से हम सामान खरीदते हैं ना वो हमारा सैंडरी क्रेडिटर होता है। अब आपने यहाँ तक तो सही कर लिया लेकिन अब उसके बाद में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर को बतानी पड़ेगी। अब सॉफ्टवेयर को नहीं बताना ये मतलब जो आपने लेजर बनाया है वो कहाँ का है, कौन सी पार्टी का है, ये सारी डिटेल आपको बतानी पड़ेगी। लेकिन अब इसके अंदर देखो क्या रहा है, आपने सैंडरी क्रेडिटर ग्रुप सेलेक्ट कर दिया उसके बाद में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी मांगेगा। तो सबसे पहले अब ये पूछेगा भी अभी इसके अंदर जो ऑप्शन आता है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इस ऑप्शन का मतलब क्या है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये सारा बाय डिफॉल्ट है, अगर ये यहाँ पर नो करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब मेंटेन बिल बाय बिल का मतलब होगा भी मान लीजिए आपका कोई सप्लायर है
और आपने इस सप्लायर को, सप्लायर से मान लीजिए आपने 1,000 रुपये का कोई सामान खरीदा, और इस मान लीजिए इनवॉइस नंबर आ गया 310, यानी कि 310 नंबर इनवॉइस का नंबर है, और इस इनवॉइस के अगेंस्ट में मान लीजिए आपने 500 रुपये का पेमेंट कर दिया, फिर आपने इसी इनवॉइस के अगेंस्ट के अंदर 200 रुपये का पेमेंट और कर दिया, उसके बाद में आपने इसी सप्लायर से 5,000 रुपये का सामान और खरीद लिया, और फिर आपने मान लीजिए 3,000 रुपये की पेमेंट और कर दी। तो अब मेंटेन बिल बाय बिल का मतलब क्या बन गया, मान लीजिए सबसे पहले आपने कौन सा इनवॉइस खरीदा था, 1,000 रुपये का, 1,000 रुपये के अगेंस्ट में के अंदर सबसे पहले आपने पेमेंट कर दी 500 रुपये की, तो यानी कि इस इनवॉइस की पेमेंट कितनी रहेगी अभी आपकी, 500 रुपये अभी भी आपका बकाया रह गया। उसके बाद में फिर आपने 200 रुपये की पेमेंट और कर दी, तो इसका मतलब बकाया कितना रह गया, 300 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद में 5,000 रुपये का आपने सामान और खरीद लिया, तो जाहिर सी बात है इसका बैलेंस है जो कितना होगा टोटल इसका, 5,300 रुपये का, 5,300 का। अब उसके अगेंस्ट में आपने 3,000 रुपये की पेमेंट उसको कर दी, अब 3,000 के अंदर क्या होगा, पिछला बैलेंस आपका कितना था 300, तो अब 3,000 के अगेंस्ट के अंदर कितना कटेगा भी, इस 3,000 के अगेंस्ट में 300 रुपये तो आपका इस इनवॉइस के अगेंस्ट में कट जाएगा, और पीछे बच गया 2,700 रुपये। अब ये जो 2,700 रुपये का जो आपकी पेमेंट है वो आपकी इस 5,000 रुपये इनवॉइस के अगेंस्ट में कटेगी। अब ये सारी डिटेल अगर आप इनवॉइस टू इनवॉइस रखना चाहते हो ना, इसके लिए हमें मेंटेन बिल बाय बिल के ऑप्शन को यस रखना पड़ता है। अगर आप ये चाहते हो कि हमें कोई इनवॉइस से कोई लेना देना नहीं है, कौन सी पेमेंट कौन से बिल के अगेंस्ट जा रही है इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, तो आपको इस ऑप्शन को नो रखना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये अच्छी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई इस आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका जो हमारा पार्ट सेकंड रहेगा उसके अंदर आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। अब उसके बाद ऑप्शन आता है बी, चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यानी कि आपने कोई भी आपका सप्लायर है, अब आपके मान लीजिए कोई क्रेडिट डेट आपको मिली हुई है, क्रेडिट डेज का मतलब क्या बन गया, मान लीजिए कोई आपने गुड्स खरीदा उसकी पर्टिकुलर एक डेट मिल गई आपको भी, आपको इस तारीख तक पेमेंट करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने कोई 15 जून का कोई इनवॉइस आपने प्रोसेस किया और इसकी कंपनी ने आपको डेट दे दी भी इसकी, आपको 25 तारीख तक पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 25 जून तक, तो वो आप यहाँ पर डेट भी फिक्स कर सकते हो ताकि आपको पता चले। और ये ज़्यादातर होता है किसके अगेंस्ट में, जब आपका कोई कस्टमर होता है उसके अगेंस्ट के अंदर हमें ये चीज़ें देनी पड़ती है, तो आप इस ऑप्शन को नो भी रख सकते हो क्योंकि ये कंडीशन अप्लाई हो रही है सैलरी डेब्टर के लिए, तो ये क्रेडिटर के लिए, तो ये अपने सॉफ्टवेयर में कर लेगा। आप इसको यस करोगे तो वहाँ से आपसे डेट भी पूछेगा भी आपको इस इनवॉइस की डेट है जो उसकी ड्यू डेट आपको मिली है, कितने दिनों तक आपको उधार मिली है, आप कितने दिनों तक अपने कस्टमर को प्रोडक्ट उधार दे सकते हो, तो वहां पर आप क्रेडिट डेज भी दे सकते हो। आई होप कि आप इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि लेजर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने बुक से सीखा होगा, बुक्स के अंदर सारी डिटेल बताई होती है, लेकिन आपको ये इतना डीपली के साथ बुक्स के अंदर नॉलेज नहीं मिलेगा। उसके बाद में ये जो स्टेचरी डिटेल है, टीडीएस डिडक्टेबल, TCS एप्लीकेबल, यानी कि जो आपका सप्लायर है क्या आपकी कंपनी इसके ऊपर TDS काटेगी इस सप्लायर का, तो आप TDS काट भी सकती है, TCS कलेक्ट भी आपको, अब TCS है तो TCS आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि TCS आपका इनवॉइस के ऊपर लग जाएगा, तो ये फीचर अब यहाँ के ऊपर इसके ऊपर है जो लागू नहीं होगा। अब ये किसके लिए लागू होता है, आपके कस्टमर के ऊपर, यानी कि जो आपका सैलरी डेप्टर होता है उसके ऊपर ये TCS एप्लीकेबल वाला ऑप्शन लागू होता है, न कि हमारे सप्लायर के ऊपर लागू। सप्लायर के ऊपर केवल आपका TDS एप्लीकेबल हो सकता है भी, अगर आपने मान लीजिए अपने सप्लायर को कोई इंटरेस्ट पे किया है तो उसके ऊपर आपको TDS है जो काटना पड़ता है। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी आता है मेलिंग एड्रेस के अंदर उसका प्रॉपर एड्रेस मेंशन करना, ठीक है, और एड्रेस मेंशन करने के बाद में उस सप्लायर का स्टेट, और स्टेट के बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिन कोड। पिन कोड क्यों देना होता है, मान लीजिए अब आपकी कंपनी है, अब ये मान लीजिए आपका कोई कस्टमर होता तो आपकी कंपनी इसको गुड सेल करती, ठीक है ना, अब ये गुड अगर सेल करते हैं तो आपको ये पिन कोड सप्लायर की कंडीशन में भी देना है, मतलब सभी के देना, चाहे आपका कस्टमर है चाहे आपका सप्लायर है, सभी की जगह ये चीज़ें हमें देनी होती है। अब मान लीजिए आपका कोई कस्टमर होता तो कंपनी इसको गुड सेल करती, ठीक है ना, अब गुड सेल करेगी तो मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है वो उसकी वैल्यू 50,000 रुपये से की ज़्यादा की है तो आपको ई वे बिल भी बनाना पड़ेगा, और ई वे बिल किस हिसाब से बनते हैं, दूरी के हिसाब से, ठीक है ना। अब मान लीजिए दूरी है तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर पर्टिकुलर किलोमीटर भी लिखना पड़ता है, और किलोमीटर जो आपका सॉफ्टवेयर वो पिक कर कहाँ से करता है, ज़्यादातर पिन कोड से पिक कर लेता है भी आपका ये जो एरिया है और जहाँ से आपने गुड्स को भेजे हैं और ये गुड्स कहाँ जा रहे हैं, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, तो
तो बाई डिफॉल्ट ये वैसे तो पिन कोड से उठा देते हैं, अदरवाइज आपको मैनुअल भी वहां पर लिखना पड़ता है। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट आती है उसका पेन नंबर, ठीक है ना। अब इसका पेन नंबर आपको डिटेल, इसके साथ साथ इसकी प्रोवाइड बैंक डिटेल भी आपको देनी होती है। अब बैंक डिटेल किसके लिए देनी होती है आपको, जैसे मान लीजिए आपने इसको यस कर दिया, अब मान लीजिए जैसी बात अभी आपका सप्लायर को आप इसको पेमेंट करोगे, आप चाहते हो भी यहाँ पर इसकी जो डिटेल है वो हम परमानेंटली फिक्स करते हैं ताकि हमें बार बार देखना ना पड़े। और इसके साथ साथ मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेन नंबर का। अब पेन नंबर है तो जैसी बात अभी आपको TDS काटने की जरूरत पड़ेगी तो आपको पेन नंबर की भी चाहिएगा, MSME की डिटेल भी आपको चाहिएगी। हो सकता है आपको 15 दिन या 45 दिन के अंदर पेमेंट की कंडीशन भी आपके ऊपर लागू हो सकती है, तो वो भी आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ कंपनी का जो GST नंबर है वो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा भी जो आपकी कंपनी है वो कंपोजिशन में है, रेगुलर में है, या वो किसी GST में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो भी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। एडिशनल डिटेल भी आपको यहाँ पर देनी पड़ती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें सेंट्रल क्रेडिटर के लेजर बनाते वक्त हमें प्रॉपर देनी पड़ती है। उसके साथ साथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था सेंट्रल डायरेक्टर का, अगर हम कस्टमर का लेजर बनाते हैं, मान लीजिए यही हमारा कस्टमर होता, तो अब कस्टमर की कंडीशन में यहाँ क्या आ जाएगा, सेंड्री डेब्टर्स, जिसे हम गुड सेल करते हैं वो हमारा सेंड्री डेब्टर होता है। तो बाकी की इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा था ना, स्टेटी डिटेल, TDS डिडक्टेबल, TCS एप्लीकेबल, तो सेंड्री डेब्टर की कंडीशन के अंदर ये दोनों चीजें आपकी यस हो सकती है, क्योंकि आप अपने कस्टमर का TDS काट भी सकते हो और उसके ऊपर TCS है वो भी एप्लीकेबल हो सकता है। अगर आपकी मतलब कंपनी की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा की है और आपने अपने कस्टमर को 10 लाख से 50 लाख रुपए से ज्यादा का गुड सेल कर चुके हो तो नेक्स्ट इनवॉइस के ऊपर आपको TCS भी आपको करना पड़ सकता है। उसके बाद में सेम वही इन्फॉर्मेशन हमारी जो हमारा कस्टमर है उसका प्रॉपर एड्रेस, उसका स्टेट, पिन कोड, उसके MSME की डिटेल, GST नंबर, ये सारी मेंशन आपको करनी पड़ती है। अब ये GST नंबर इसलिए मेंशन करना जरूरी है क्योंकि हमारी GST की रिपोर्ट हमें करनी पड़ती है, तो रिपोर्ट के अंदर हमारा अगर वो कस्टमर रेगुलर है उसके पास भी GST नंबर है तो आपको यहाँ पर रेगुलर करना पड़ता है। अब आपका मान लीजिए नॉर्मल कंज्यूमर है इसके पास में GST नंबर नहीं है तो आपको कंज्यूमर भी करना पड़ेगा, तो फिर आपको GST नंबर देने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि आपके ये दो क्वेश्चन है यही क्लियर हो गए, सेंट्री क्रेडिटर और सेंट्री डेटर। उसके बाद बात आती है स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक यूनिट की। अब स्टॉक यूनिट की और स्टॉक आइटम का मतलब क्या बन गया, तो यानी कि आपकी कंपनी के अंदर जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो भी आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। इसके लिए आप स्टॉक आइटम पर जाते हो और यहाँ पर मान लीजिए मैंने कोई भी एक आइटम का नाम लिख दिया, वन आइटम लिख दिया। अब उसके बाद में सबसे पहले इसका अंडर का मतलब इसका ग्रुप बनाना पड़ेगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये किसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं, इलेक्ट्रिकल है, कॉस्मेटिक है, किसका प्रोडक्ट है, तो आपको ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद में इसकी यूनिट, आप इसको किस चीज़ के अंदर सेल करोगे, बॉक्स में सेल करोगे, पीस में सेल करोगे, ठीक है ना, या किसी बॉक्स में कार्टून में सेल करने वाले हो, क्विंटल में सेल करने वाले हो, केजी में सेल करने वाले हो, तो यूनिट भी आपको प्रॉपर सही तरीके से क्रिएट करनी पड़ती है। और इसके साथ साथ अगर आपकी कंपनी अल्टरनेट यूनिट भी अगर यूज़ करती है, जैसे मतलब कुछ प्रोडक्ट यूज भी बेचती है और कुछ प्रोडक्ट को बॉक्स के साथ भी बेचती है, तो आपको पता होना चाहिए अल्टरनेट यूनिट किस तरीके से बनानी पड़ती है। उसके साथ साथ उस प्रोडक्ट की जो GST से रिलेटेड है तो वो भी आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी भी GST एप्लीकेबल है, प्रॉपर उस स्टॉक आइटम का HSN कोड क्या है, उसके बाद में उस प्रोडक्ट उसका GST का टैक्स रेट कितना है, टाइप क्या है, सप्लाई है कि गुड्स है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करते वक्त भी बतानी पड़ती है। तो ये सारी बातें भी आपको पता होना चाहिए भी आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए सेंट्री क्रेडिटर का लेजर जब बनाएंगे तो उसका GST नंबर, उसका उद्यम आधार का नंबर, उसका मतलब प्रॉपर एड्रेस, ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें लेजर क्रिएट करते वक्त देनी पड़ती है। तो ये आंसर आपका होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है इसका भी GST नंबर, पेन नंबर और टेन नंबर में क्या डिफरेंस होता है। तो अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भी GST नंबर हमारा किसके लिए होता है, भी अगर हमारी कंपनी की जो टर्नओवर है वो 40 लाख रुपए से अगर मान लीजिए ज़्यादा है, हमने GST नंबर ले सकता है, ये जरूरी नहीं है 40 लाख तक आप पहले भी ले सकते हो, तो हमें हमारे इनवॉइस के ऊपर जो हम टैक्स चार्ज करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो हमारा GST टैक्स होता है। तो GST टैक्स होगा तो उसके GST टैक्स हम तभी लगा सकते हैं कि अगर हमारी कंपनी के अंदर हमारे पास GST नंबर है या कि हमने GST डिपार्टमेंट के अंदर हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो हमें क्या मिलता है वहाँ पर 15 डिजिट का एक नंबर मिलता है जो हमारा पेन बेसिस होता है, ठीक है ना, वो हमारा GST नंबर होता है। अगर बात अपने करते हैं पेन नंबर की, तो पेन नंबर का डिफरेंस क्या होता है, पेन नंबर हमें चाहिए होता है इनकम टैक्स के पर्पज से, जैसा कि अभी डिस्कस किया था, अगर हमें सप्लायर का अगर हम कोई लेजर क्रिएट करते हैं
कोई लेजर हमने क्रिएट किया है, तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन आ रहा था हमारा पेन नंबर का, तो पेन नंबर हमें इसीलिए जरूरत है क्योंकि इसका अगर अपने टीडीएस कटेंगे तो उसके पेन नंबर की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये पेन नंबर होता है हमारा इनकम टैक्स के पर्पज से। अब बात आती है टेन नंबर का, तो टेन नंबर का हमारा किस लिए होता है, टीडीएस है। अगर हमारी कंपनी के ऊपर टीडीएस काटने की अगर कोई लाइबिलिटी बनती है तो हमें टीडीएस टैक्स भी, हमें जो हमारा कंज्यूमर है उसका टीडीएस हमें जो डिडक्ट किया है वो टीडीएस भी हमें जमा कराना पड़ेगा, तो वो हमारा होता है टेन नंबर। यानी कि अब आपको बात आएगी अगर अपने जीएसटी को टैक्स जमा कराना है, जीएसटी का टैक्स, तो आपको जीएसटी नंबर की जरूरत पड़ेगी। इनकम टैक्स अगर आपको जमा कराना है तो आपको पैन नंबर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने कोई टीडीएस डिडक्ट किया है या कोई टीसीएस कलेक्ट किया है तो आपको टेन नंबर की जरूरत पड़ती है। तो ये जवाब भी आपके पास होना चाहिए कि ये टेन नंबर, पैन नंबर और जीएसटी नंबर में क्या डिफरेंस होता है। तीसरा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन भी क्रेडिट नोट डेबिट नोट कब बनाने होते हैं। भी आपने टेली सॉफ्टवेयर में ये तो पता है, हमारे पास कोई गुड्स आएगा तो हम प्रत्यक्ष एंट्री करते हैं, सेल करेंगे तो सेल इनवॉइस बनाएंगे, पेमेंट आ रही हमारे पास आ रही है तो हम रिसीप्ट करते हैं, पेमेंट अगर अपने किसी को दे रहे हैं तो हम पेमेंट करते हैं। तो इसी तरीके क्रेडिट नोट डेबिट नोट की वाउचर की भी जरूरत पड़ती है। तो अब क्रेडिट नोट डेबिट नोट किस कंडीशन में बनते हैं, देखो अब क्रेडिट नोट आपके अलग अलग कंडीशन में बनते होंगे। जो क्रेडिट नोट बनेगा वही कंडीशन आपकी डेबिट नोट पर भी लागू हो सकती है। अब क्रेडिट नोट कब इशू किया जाता है, पहला किया जाता है सेल रिटर्न के अगेंस्ट में, ये आपका जवाब होना चाहिए। दूसरा होता है एडजस्टमेंट के लिए, और तीसरा होता है आपका अगर कोई प्राइस या उसको अपने बोल सकते हैं रेट डिफरेंस के अगेंस्ट के अंदर हमारे क्रेडिट नोट बनते हैं। तो डेबिट नोट किस कंडीशन में बनते हैं, पहला पॉइंट आपका जवाब होना चाहिए परचेज रिटर्न के अगेंस्ट के अंदर डेबिट नोट बनता है, दूसरा एडजस्टमेंट के लिए डेबिट नोट बनता है, और तीसरा प्राइस डिफरेंस या इसको आप रेट डिफरेंस बोल सकते हो इसके अगेंस्ट के अंदर डेबिट नोट बनता है। अब ये क्रेडिट नोट डेबिट नोट बनता कैसे इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, उसको आप जरूर देखिएगा। क्वेश्चन आता है भी सिंगल मोड और डबल नोट कैसे बदल सकते हैं, इनमें फर्क क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने टेली सॉफ्टवेयर हो, आप यहाँ पर कोई वाउचर की एंट्री कर रहे हो, आपने वाउचर पे की, मान लीजिए आपने पेमेंट वाउचर करी, तो सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए भी ये जो ऑप्शन आ रहा है, अब ये जो पेमेंट का वाउचर है या आप कोई रिसिप्ट कर रहे हो, तो ये पेमेंट और रिसिप्ट के अंदर डबल मोड और सिंगल मोड इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब ये सभी सबसे पहले जो अभी हमारे सामने जो ऑप्शन आ रहा है कौन सा आ रहा है, डबल मोड का आ रहा है। डबल मोड का मतलब क्या बन गया, मोड कहाँ से चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप चेंज मोड के अंदर, ये जो ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे जब अपने कंट्रोल एच करते हैं तो ये वाला ऑप्शन आपके पास में चेंज मोड का, यहाँ से आप मोड चेंज करोगे। जैसे आपने मोड करेंगे, अब मान लीजिए मैंने इसको सिंगल मोड कर दिया यानी कि सिंगल एंट्री कर दिया, तो आपका जो वाउचर मोड है वो इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास कोई रिसिप्ट आप कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कैश या बैंक का नाम आप ऊपर देना पड़ेगा, और जिससे पैसा आप रिसीव कर रहे हो उसका नाम आप यहाँ पर आपको नीचे देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप एंट्री करोगे, एंटर करके अपने इसको प्रेस करेंगे और सेव कर देंगे। और सेम इसी तरीके अगर अपने इसका मोड चेंज करते हैं और अपने इसको डबल मोड में करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, जो कौन सा लेजर क्रेडिट हो रहा है और कौन सा लेजर डेबिट हो रहा है इसका हमें ऑन द स्क्रीन पे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे ना तो यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा सीआर का और यहाँ दिखाई देगा डीआर का, लेकिन सिंगल मोड के अंदर आपको ये चीजें नहीं दिखाई देगी भी कौन सा लेजर इसके अंदर क्रेडिट हो रहा है कौन सा डेबिट हो रहा है। तो ये डिफरेंस आपका होता है सिंगल और डबल मोड का, ये भी आपको पता होना चाहिए। पांच नंबर क्वेश्चन है भी अकाउंट्स ओनली और विद इन्वेंटरी अकाउंटिंग में क्या फर्क होता है, ये भी टेली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। तो अब अपने बात करते हैं भी अकाउंट्स ओनली का मतलब क्या बढ़ गया, यानी कि अब आप जिस फर्म की या जिस कंपनी की आप बिजनेस आप मतलब अकाउंटिंग कर रहे हो उसके अंदर उस कंपनी को कोई प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि कौन से प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं कौन से नहीं हो रहे, लेकिन उनको इतना जरूर पता होना चाहिए भी कौन से सप्लायर को हमें कितनी पेमेंट देनी है और कौन से कस्टमर से हमें कितना पैसा लेना है। केवल आपको अकाउंट से ही रिलेटेड मतलब है, ठीक है। और इन्वेंटरी का मतलब हो गया, इन्वेंटरी का मतलब हो गया आपको ये सप्लायर को कितना पैसा देना है और कस्टमर से कितना पैसा लेना है, ये तो आपको चाहिए। इसके साथ साथ आपकी कंपनी के अंदर कौन सा स्टॉक आया है, वो स्टॉक कितना सेल हो चुका है और कितना उसका स्टॉक है जो बचा हुआ है, यानी कि आप इसमें स्टॉक की डिटेल भी साथ में रखना चाहते हो। स्टॉक को हम इन्वेंटरी बोलते हैं, स्टॉक की अगर आप डिटेल साथ में रखना चाहते हो तो आपको इन्वेंटरी रखना होता है। अकाउंट ओनली का मतलब आपको इन्वेंटरी स्टॉक आइटम से कोई लेना देना नहीं है, कौन सा स्टॉक आ रहा है कौन सा जा रहा है कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको इनसे मतलब है,
तो आपको अकाउंट ओनली का फर्क पड़ना पड़ता है। अब आपको यहाँ से कहाँ से पता चलता है, जब आप F11 प्रेस करोगे तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आता है, ठीक है ना, ये देखो आप बी मेंटेन अकाउंट्स ओनली और इन मेंटेन इन्वेंट्री। अगर आप मेंटेन इन्वेंट्री को अगर आप नो कर दोगे यहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शन देखोगे यहाँ पे हाइड हो जाएंगे, और कंट्रोल ए मैं करता हूँ तो अब जैसे आप अपने क्रिएट पे चलते हैं तो अब यहाँ पर जो स्टॉक आइटम वाला जो ऑप्शन आ रहा था ना वो बंद हो चुका है, अब वो नहीं आएगा। अब वो कब आएगा, जब आप इस इन्वेंट्री को एप्लीकेबल कर दोगे, F11 प्रेस करेंगे और इसको यस करेंगे तो अब देखो स्टॉक आइटम से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो सारी है जो आपकी हाईलाइट हो चुकी है, अब आपके सामने वो ऑप्शन आ जाएगा स्टॉक आइटम का। तो यानी कि अब आपके पास इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए, भी अकाउंट्स ओनली के अंदर हम केवल अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं, अकाउंट्स का ही हमें लेन देन पता चलेगा भी किससे हमें कितना पैसा लेना है, कितना देना है, कितने हमारे खर्चे हो चुके हैं, कितनी हमारी लाइबिलिटी बन रही है, कितने एसेट बन रहे हैं। लेकिन इन्वेंट्री के अगेंस्ट इन्वेंट्री के अंदर अपने स्टॉक को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे कुछ टेली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन। अब अपने आते हैं थोड़ा सा GST पे। अब सबसे पहला देखो थोड़ा सा अपने यहाँ पे टेक्निकल है क्वेश्चन पे आ रहे हैं, हालांकि ये सब पार्ट वन का ही हिस्सा है हमारा, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट सेकंड रहेगा उसके अंदर थोड़ा सा इससे ज्यादा अपने टेक्निकल क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन था जो रेगुलर जीएसटी टैक्स पेयर होता है वो हर महीने कौन कौन सी जीएसटी रिटर्न फाइल करता है, तो अब इंटरव्यू लेने वाला ये भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए इसका जवाब क्या आ रहा है। जो जीएसटी का रेगुलर पेयर है वो सबसे पहले हर मंथ को अंदर GSTR1 फाइल करते हैं और GSTR3 भी फाइल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है GSTR1 रिटर्न में क्या क्या रिकॉर्ड देना होता है। अब GSTR1 रिकॉर्ड सबसे पहले पता होना चाहिए आपका, ये सेल से संबंधित ये रिकॉर्ड इसके अंदर देना होता है। अब ये सेल का रिकॉर्ड देंगे तो हम क्या देंगे, इसके अंदर हमने B2B कितनी सेल करी है और B2C सेल हमने कितनी करी है, HSN कोड वाइज हमने कौन कौन से प्रोडक्ट सेल किए हैं, कितने हमने डॉक्यूमेंट इशू किए हैं, टोटल आपकी एग्जाम सेल कितनी है, आउट ऑफ स्टेट आपने सेल कितनी कर दी, विद इन स्टेट सेल कितनी कर दी, परसेंटेज वाइज आपने कितनी सेल कर दी, 5% की, 12 की, 18 की, 28 की, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें GSTR1 रिटर्न के अंदर देनी होती है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है GST के अंदर ITC क्या होता है। अब GST के अंदर ITC की अपने बात करते हैं तो ITC का मतलब हो गया ITC यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, यानी कि हमने जितना गुड्स परचेज किए हैं उस परचेज के ऊपर हमने जितना टैक्स पे कर दिया हमारे सप्लायर को, मान लीजिए हमने कोई गुड्स खरीदा 1000 रुपए का और इसके ऊपर हमने 50 रुपए का टैक्स दे दिया तो टोटल हम सप्लायर को कितनी पेमेंट करने वाले हैं, 1050 रुपए की। तो अब इस 1050 रुपए के अंदर हमने टैक्स भी तो पे किए, अभी जो 50 रुपए का जो टैक्स है ना अब ये हमारी कंपनी के लिए ITC बन चुका है, यानी कि इसका हमें क्लेम मिलना है, इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका हमें जितना हमारा आउटपुट टैक्स होगा उसके अंदर हमें इस इनपुट को माइनस करेंगे, उसके बाद हमारे को पता चलेगा टैक्स की क्या होता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया GST की टैक्स की लाइबिलिटी अपने कैसे देंगे। अब GST की टैक्स लाइबिलिटी का मतलब क्या बन गया, आपको पता कैसे चलेगा आपकी कंपनी को टैक्स GST का जो टैक्स है वो जमा कितना करवाना है। अब इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या देखोगे, अपनी कंपनी का आउटपुट टैक्स देखोगे, GST, CGST का, SGST का या फिर IGST का, और उसके बाद में उस टैक्स को अपने क्या करेंगे, इनपुट में से घटा देंगे। अभी जो हमने डिस्कस किया था ITC, मान लीजिए आपने कस्टमर को सामान बेचा 1000 रुपये का, टैक्स ले लिया 50 रुपये का, तो टोटल 1050 आ गया। अब मान लीजिए इसी सामान को आपने खरीदा था 900 रुपये में, 40 रुपये मान लीजिए आपने टैक्स दे दिया, तो टोटल 940 रुपये आपने अपने सप्लायर को पेमेंट कर दी, यहाँ से आपने कस्टमर से आपने 1050 रुपये ले लिए, तो आपका आउटपुट कितना बन गया 50 रुपये का, इनपुट कितना था 40 रुपये का, तो यानी कि इस 50 में से 40 माइनस करेंगे तो 10 रुपये का डिफरेंस है, ये 10 रुपये का टैक्स हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है। अब उसके बाद में देखेंगे भी हमें 5 रुपये का हमें CGST टैक्स जमा कराना है और 5 रुपये हमें SGST का टैक्स है जो जमा करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बात करते हैं भी CGST, SGST और IGST टैक्स टैक्स इनवॉइस में कब लगाते हैं, यानी कि जो टैक्स है ये कब कब चार्ज कर सकते हैं। अब इसकी डिटेल अगर अपने बात करते हैं तो जो CGST टैक्स और SGST टैक्स ये दोनों टैक्स कब लगते हैं, जब हम इंट्रास्टेट जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये CGST टैक्स और SGST टैक्स लगते हैं, और IGST टैक्स कब लगता है, जब हम इंटरस्टेट सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो हमें IGST टैक्स लग के आता है, अगर हम इंट्रास्टेट
कोई गुड्स को सेल कर रहे हैं तो हमें सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स चार्ज करते हैं। अब इंट्रा स्टेट का मतलब हो गया विद इन स्टेट, हमारे राज्य के अंदर अंदर अगर हमने कोई सामान खरीदा है या सामान हमने बेचे हैं तो ये दो टैक्स हमें लग के आएंगे। अगर हमने राज्य से बाहर, हमारे राज्य से बाहर अगर हमें कोई खरीदा है या हमने कोई बेचे हैं तो उसके ऊपर हमारा आईजीएसटी टैक्स है जो चार्ज होता है। तो आज के इस फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने इतने टॉपिक पर डिस्कस किएंगे। तो अगर आपको लगता है इन सब के अंदर आपको 80% या 80 ज्यादा नॉलेज था तो आपकी जो अकाउंटिंग है बहुत अच्छी है। अगर आपको लगता है कि ये जो सारी बातें आपने टेक्निकल तरीके से नहीं सीखी, इनके बारे में आपको नॉलेज नहीं था, तो आपको रिक्वेस्ट है भी आज टैली सॉफ्टवेयर को प्रैक्टिकल तरीके के साथ सीखना स्टार्ट कर दीजिए। जहां पर भी आप जा रहे हो तो उनको बोलिए सर हमें प्रैक्टिकल तरीके से सारी चीजें बताई जाए। और आप इस वीडियो को भी आप उनको दिखा सकते हो भी इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी आप हमारे से पूछा करो। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर भी कर देना ताकि हमारे आने वाले सेकंड पार्ट का नोटिफिकेशन सभी लोगों के पास पहुंच जाए और उनको इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके।